इंडियन टाइम्स डेली ते तुहाडा सारिया दा स्वागत है। पंजाब दी 10 मुख खबरां हन। बीजेपी ने आरएसएस दे नेता रविंदर गोसाई दी हत्या दे संबंध विच पंजाब दी कांग्रेस सरकार दी आलोचना कीती। पार्टी ने कहा कि सीएम अमरिंदर सिंह पंजाब विच कानून व्यवस्था बनाए रखने विच नाकाम रहे हैं। हरियाणा दे सीनियर मंत्री अनिल विज ने ताजमहल नूं इक सुंदर कब्र कहा है। पिछले हफ्ते बीजेपी दे नेता संगीत सोम ने कहा सी कि ताजमहल भारतीय संस्कृति उत्ते इक कलंक है। करनाल कछवा दे हाईवे नूं 5 किलोमीटर तक चौड़ा करन उत्ते काम शुरू हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो मंजूरी मिलने दे बाद वन विभाग ने 1024 दरख्तां नूं कटना शुरू कर दिता है। अद्धे दरख्तां नूं पहला ही कटिया जा चुका है। कांग्रेस द्वारा एसएडी दे आंतरिक मामलों विच मशवरा दिते जान उत्ते एसएडी ने कांग्रेस उत्ते निशान साधा है। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस नूं चाहिदा है कि एसएडी दे बजाय राहुल गांधी नूं राजनीतिक छड्डण दी सलाह देनी चाहीदी है, क्योंकि उन्हां दे नेतृत्व विच कांग्रेस ने 2014 दे लगभग सारे चुनाव हारे हन। 17 अक्टूबर नूं लुधियाना विच आरएसएस दे नेता रविंदर गोसाई दी हत्या दे सिलसिले विच पंजाब पुलिस दे दो हेड कांस्टेबल निलंबित कर दिते गए हन। दोनों ने उस मोटरसाइकिल दी चोरी दी शिकायत दर्ज नहीं कीती सी, जिसका इस्तेमाल दो अननोन लोगों ने इस हत्या दे लई कीता। जालंधर शहर दे कपड़ा बाजार विच दिवाली दी रात लगी अग विच लगभग 25 दुकानां जल के राख हो गईयां, जिस विच लखां रुपए दा सामान बर्बाद हो गया। किसी दे हताहत होण दी खबर नहीं है। दुआबा खेत विच फसल दी पुराली जलाण दीआं घटनावां विच अचानक तेजी आ गई है। पंजाब सरकार ने घोषणा कीती सी कि धान दी पुराली जलाण उत्ते किसानां उत्ते जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अमृतसर दे प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर तो 6 लाख रुपए चोरी होण उत्ते अमृतसर पुलिस ने अननोन लोकां दे खिलाफ मामला दर्ज कीता है। ਉਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਦੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500, 100, 50 ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਬੁਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਟ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।